नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान 10 फरवरी को हुए यूपी में पहले चरण के चुनाव को लेकर कहा कि जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने जमकर मतदान किया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी परचम लहरा रही है। ये बात जो घोर परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गई है, इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं, ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे, और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहे? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है। बरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सपा और एलजेपी पर सूपड़ा साफ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 2014, 2017, 2019 में बीजेपी को जनता का विश्वास हासिल हुआ, इस बार भी जनता का भरोसा बीजेपी पर है। उन्होंने कहा कि जनता कहती थी कि प्रदेश से गुंडाराज को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। योगी सरकार ने गुंडाराज को खत्म करके दिखाया। आज माफिया गुंडे पुलिस का सायरन सुनकर भाग जाते हैं। बीजेपी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में हमने किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में बिजली देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब बच्चियां जो 12 से आगे पढ़ेगी को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश जी ने कहा, देखिए साहब कैसे लोग सुनते हैं, अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी हम पेट्रोल देंगे। अरे अखिलेश जी, स्कूटी नहीं है तो बच्ची पेट्रोल किसमें डलवाएगी, जरा बताओ। भाई पहला स्कूटी देते हैं या पेट्रोल देते हैं? जरा जोर से बोलो, स्कूटी देते हैं या पेट्रोल? मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है ना उनको पेट्रोल डालना है, सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कई दलों के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जिसमें बाराबंकी सदर के 4 बार सपा से विधायक रहे पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री छोटेलाल यादव ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संदीप चौहान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, प्रोफेसर हरिकेश सिंह, अरविंद कुशवाहा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कुशीनगर के पडरौना से सपा प्रत्याशी विक्रम यादव के नामांकन में पहुंचे सपा नेता केडी यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सपा की जीत का दावा कर दिया।
केडी यादव ने कहा कि जनता बीजेपी के कुशासन को जान चुकी है, इस बार जनता सपा की सरकार बनाने जा रही है। सपा नेता केडी यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। पटना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता विक्रमा यादव को जो है ताकत देने के लिए संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव मौजूद हैं और ताकत देने के लिए अपने काफिले के साथ जो है पटना की धरती पर जो है समर्थन अपनी ताकत दे रहे हैं। उनसे जानते हैं कि पटना में समाजवादी पार्टी के जीत का तिलिस्म क्या होगा। देखिए 330 पटना जो है यहाँ का ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर विक्रमा यादव जी ने यहाँ पर प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और आज के समय में जो ये जलूस और यहाँ के अपार संख्या अपार जनसमूह के साथ उन्होंने पर्चा दाखिला किया, और पर्चा दाखिला में लगता है कि हर समाज के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ आज ही लगता है काफ़ी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो है कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पे हमें व्यापारियों का जो समूह अभी मैंने देखा है और हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग उन्हें ताकत देने आए हैं। इससे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके और मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश का, इस विधानसभा का ये बहुत अच्छा काम करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराने नेता हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि पाँच पद पर ब्लॉक प्रमुख के साथ कई ऐसे पदों पर रहे हैं, इस नाते हर लोगों का सेवा किया है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि पटना के ये गांधी के रूप में माने जाते हैं और आने वाले समय में काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे। यही हमारे भाई अपना जो ये समाजवादी पार्टी के नेता केडी यादव है, दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे ये हुजूम है। हुजूम जो है अपनी जो है खुद कहानी बता रहा है कि क्या जनाधार है विक्रमा यादव का। और यहाँ समाजवादी पार्टी का जो नामांकन के बाद जो जनाधार सड़कों पर उतरा है और जो समर्थन सड़कों पर व्यापारियों के साथ जो है उनका हुजूम निकला है, वो समर्थन अपनी गवाही खुद दे रहा है। और दूसरी तरफ इधर दिखाना चाहेंगे कि ये संत कबीर नगर के वरिष्ठ नेता केडी यादव भी पटना की धरती पर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विक्रमा यादव, उनको ताकत दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पटना, कुशी। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, रुक करेंगे खबरों का। मैनपुरी के करहल में राष्ट्रीय युवजन सभा के अध्यक्ष मोहम्मद फहद और उपाध्यक्ष प्रदीप यादव और सपा के प्रदेश सचिव अहमद ने जनता से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अधिक से अधिक वोट देने की अपील की है। साथ ही कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को 7 बोरी खाद जिसमें 2 बोरी डीपीए और 5 बोरी यूरिया मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही गन्ना किसानों का भुगतान समय पर किया जाएगा, किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बेरोजगारों के लिए 11 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट बैठक में पास करके भर्ती प्रक्रिया को शुरू भी किया जाएगा। मेरठ के शास्त्री नगर में सपा के वरिष्ठ नेता विपिन मनोठिया वाल्मीकि पर हुए हमले का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले पर सपा नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी के लोग थे, खासतौर से दक्षिणी विधानसभा सीट से प्रत्याशी सोमेंद्र तोमर के करीबी थे। बता दें कि 10 फरवरी को हुए मेरठ में पहले चरण के मतदान के दौरान यह हमला हुआ था। शास्त्री नगर के एक बूथ पर गड़बड़ी की सूचना पर दक्षिणी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी और विपिन मजीठिया पहुंचे थे, जहां दोनों को घेर लिया गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्याशी को पिछले रास्ते से निकाला, जबकि विपिन के साथ दबंगों ने मारपिटाई की। कुशीनगर की पडरौना से सपा प्रत्याशी विक्रमा यादव ने नामांकन किया, साथ ही पडरौना में रोड शो कर जन समर्थन मांगा। इस दौरान विक्रमा यादव के साथ जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। सपा प्रत्याशी विक्रमा यादव ने बीजेपी के कार्यालय कुशासन बताते हुए सपा की जीत का दावा किया है। विक्रमा यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। हम इस समय हैं कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट पर और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ने जो है विक्रमा यादव पर दांव लगाया है। और यहाँ पर पर्चा नामांकन के बाद, पर्चा दाखिले के बाद भारी भीड़ देखने को मिल रही है और पूरी जो है पडरौना विधानसभा के लोग जो है इनके साथ मौजूद हैं और काफ़ी लंबा हुजूम देखने को मिल रहा है। तो ये
बहुत बहुत न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है। विक्रमा जी हमारे साथ हैं, धन्यवाद। क्या मानते हैं कि जो आज आपने समाजवादी पार्टी ने आप पर दाव खेला है और आपके पास जो है कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारे साथ, मैं हमेशा शुरू से जनता की सेवा में रहा हूँ और हमेशा जनता के लिए सुख में दुख में हमेशा कंधा डालकर उनके सुख में साझेदार रहा हूँ और जनता की सेवा ही मेरा पूरा अपना धर्म मानता हूँ और जनता का आशीर्वाद पूरा मेरे साथ है और जनता के सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता का कोई टिक नहीं सकता है। जनता सबसे बड़ी ताकत है और जनता हमारे पीठ पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया है कि प्रभु जी आपको विधायक हमें बनाना है, तो जनता जब हाथ उठा दिया है तो कोई ताकत जनता की भावना को रोक नहीं सकती है। कौन कौन से मुद्दे होंगे इस पड़ोनों की जमीन पर, किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव मैदान में? ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के उत्पाद का उचित कीमत नहीं मिल रहा है, किसानों के उत्पाद को उचित कीमत नहीं मिल रहा है, किसानों की मांग को लेकर सरकार उनके साथ उत्पीड़न कर रही है। साल भर के लगभग किसान अपनी बात को लेकर के धरना दे रहे थे, 700 से अधिक लोग किसानों का जान चला गया, लेकिन ये बहरी गोगी सरकार या किसान विरोधी सरकार एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि वह भाजपा सरकार का केंद्रीय राज्य मंत्री वो किसानों पर अपने शांति बहुत तरीके से वो अपनी बात कह रहे थे, तो उनको जो है तो उसके बाद वो उनके साथ जब जीप व थार चढ़ा करके किसानों को रौंद करके मार डाला गया। इतनी अत्याचारी सरकार को बदलने के लिए एकदम सरकार ने एकदम सरकार पूरे जनता ने मन बना लिया है। क्या मानते हैं कि यहाँ जाति समीकरण क्या होगा पड़रौना की? नहीं, हमारे मैं जात की राजनीति करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सब जात हैं, हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधु हैं और मेरे लिए भी कोई जात का मानक नहीं है। हमारे साथ सभी जातियों का, सभी धर्मों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सबके बदौलत ही मुझे यह प्रत्याशी बनाया गया है, सबके बदौलत ही मेरी जीत होगी। बहुत बहुत ये हुजूम उमड़ा हुआ है विक्रमा यादव के साथ जो है और लंबा काफिला देखने को मिल रहा है और किसानों के मुद्दे और व्यापारियों के मुद्दे को लेकर जो है इस बार जो है विक्रमा यादव चुनाव मैदान में है और उनका ये मानना है कि जो 5 साल में जो अत्याचार किसानों और व्यापारियों सबके ऊपर हुआ है उसी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी को जो है यहाँ जनता पड़रौना की जनता जिताएगी और एक बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पड़रौना, कुशीनगर। उन्नाव में हुई युवती की हत्या मामले में युवती के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। साथ ही युवती की मां ने 25 लाख का मुआवजा, आरोपियों को फांसी की सजा, पक्का आवास और सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट परिजनों को मनाने में जुटे हैं। सपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर दलित युवती की हत्या कर शव कब्र में दफनाने का आरोप लगा है। मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का है। हापुड़ में रोडवेज बस और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नियंत्रित होकर रोडवेज बस डिवाइडर पार कर कैंटर से टकरा गई। बस ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मामला गढ़ कोतवाली के हाईवे का है। वहीं लखनऊ में सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन किया गया। युवक का असलहों के साथ रील बनाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि तुषार नाम का युवक वीडियो में कई तरह के असलहों के साथ दिख रहा है। इतना ही नहीं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर डालकर सोशल मीडिया पर रौब झाड़ रहा है। युवक खुद को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के कैंपर रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।